समाज से आईएएस आईपीएस नग्न है, झारखंड के पूर्वी आईएएस आईपीएस में नग्न है, बीडीओ सीओ भी एसपी डीएसपी भी गिने चुने लोग हैं प्रशासनिक रूप से, और जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो बताएं कौन ऑफिस में वो नहीं है। अगर आंकड़ा देखा जाए तो उनके सामने हम लोग कहीं नहीं है, वो बहुत आगे चल गए हैं, हम लोग बहुत पीछे हैं अभी भी। 6 महीना पहले ये पुरुलिया से शुरू हुआ था बैठक उसका तैयारी को लेकर, और तीनों स्टेट के लोग हम लोग वहां पर बैठे थे। उसके बाद रांची में लोटा जो सिल्ली एरिया है लोटा, उसमें तीनों स्टेट का बैठक हुआ। उसके बाद जमशेदपुर में हुआ, वैसे कम से कम उड़ीसा में भी बैठक हुआ। 5-6 बैठक करने के बाद 6 महीनों से तैयारी चल रही थी। एक साथ 150 लगभग वीडियो को हम लोगों ने ज्ञापन दिया था कि इस मांग को लेकर आप आगे की बढ़ाइए, नहीं तो आने वाले दिनों में हम लोग रेल चक्का जाम करेंगे। और झारखंड में विशेष तौर पे 24 में से 19 उपायुक्त कार्यालय उपायुक्त को हम लोग ज्ञापन दिए थे कि आप इस पर पहल कीजिए, नहीं तो फलना तारीख को हम लोग रेल रोकने जा रहे हैं और इसका जिम्मेवारी पूरा पूरा सरकार होगी। और एक पूरे तैयारी के साथ हम लोग ट्रैक पर उतरे थे और आज ताकत कुर्मी समाप्त दिखाया है, और इसका जितना होगा हम लोग को तुरंत में इसका रिजल्ट, हम लोग को एहसास है कि रिजल्ट आएगा। आंदोलन खत्म करने की बात जहां तक है, भारत सरकार की ओर से यह आश्वासन मिला है कि बहुत जल्द शीतकालीन सत्र में कुर्मी को एसटी में शामिल करने का बिल लाया जाएगा। इस कारण से हम लोग ट्रैक से उठे हैं, और नहीं तो अभी तक हम लोग नहीं उठते ट्रैक से। और अगर भारत सरकार गलती करती है कि अगर शीतकालीन सत्र में बिल नहीं आती है तो झारखंड में अनिश्चित काल के लिए हम लोग ट्रैक में फिर से बैठेंगे और लाखों की संख्या में बैठेंगे, और जब तक बिल नहीं आएगा हाउस के अंदर तब तक हम लोग ट्रैक से बाहर नहीं जाएंगे। अगर मान लीजिए कोई कहता है कि हम पहले से ये उसमें थे तो उसके पास दस्तावेज होगा ना। आज कुर्मियों के पास सारा इतिहास है कि हम 1931 तक प्रिमिटिव ट्राइब्स थे, आदिम जनजाति थे, और संविधान कहता है कि 1931 तक जो आदिम जनजाति की श्रेणी में था उसी को 1950 में अनुसूचित जनजाति की सूची में लाना है। आज अगर जो एसटी में वर्तमान समय में जो लोग हैं वो भी उसी रिपोर्ट के आधार पे एसटी में है, जिस रिपोर्ट में हम एक सशक्त जनजाति के रूप में खड़ा है, और उसी के आधार पे हम भी जाना चाहते हैं। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि टीआरआई लोग के खिलाफ लिख रहे हैं, टीआरआई की हमको आवश्यकता ही नहीं, हमको इंटोग्राफी की आवश्यकता नहीं। हम पूर्व में आदिम जनजाति के रूप में शामिल थे, और जितने लोग अभी वर्तमान में एसटी में हैं वो लोग भी 1931 तक आदिम जनजाति की श्रेणी में थे, और 13 उस समय 13 जाति जनजाति आदिम जनजाति के रूप में हुआ करता था। 13 में से 12 को लाया गया, हमको छोड़ दिया गया और कहा गया सरकारी भूल है। तो 72 वर्षों तक तो हम इतने दिन तो हाथ पैर जोड़िए रहे थे कि हमको शामिल कर दिया जाए, शामिल कर दिया जाए, और उसके अंदर भी बहुत सारे लोग इस बात को रख रहे थे कि इसको शामिल कर दिया जाए, लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। कितना दिन हम लोग बर्दाश्त करेंगे? अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।